उस आश्रम में मेरे वाइफ को मैं 4 साल हो गया वो उसके अंदर था, और अभी 9 महीने से वो मुझे मिल नहीं रहा है, और उन लोगों ने उनका माइंड वॉश करके एक मेरे को डिवोर्स केस फाइल कर दिया है। मुझे आश्रम का बहुत कुछ पता है, मेरे पास काफ़ी एविडेंस भी है उनके आश्रम के। जो ऐसे आश्रम का मास्टर माइंड है, जो बाहर से पैसा फॉरनर से प्रोवाइड कराता है, सारा काम वही करता है, मार्केटिंग का काम करता है वो, लेकिन वो फ्रॉड है, फरार है। जितेंद्र कुमार गिरी है, क्योंकि ये जो काशीनाथ मिश्र जिसका बॉयकुंड धाम में, मिश्र जी जिसका बॉयकुंड धाम में आश्रम है, उस आश्रम में मेरे वाइफ को मैं 4 साल हो गया वो उसके अंदर था, और अभी 9 महीने से वो मुझे मिल नहीं रहा है, और उन लोगों ने उनका माइंड वॉश करके एक मेरे को डिवोर्स केस फाइल कर दिया है उस साइड से, बिकॉज फॉर देट, क्योंकि मुझे आश्रम का कोई चीज़ पता चल गया, कुछ एविडेंस मेरे पास है। मुझे आश्रम का बहुत कुछ पता है, मेरे पास काफ़ी एविडेंस भी है उनके आश्रम का। क्या एविडेंस है? मेरे पास एविडेंस है, मेरा बीवी को मैं, हाँ, मेरा वाइफ का कुछ एविडेंस मैंने रखा हुआ है, कुछ कृष्णानंद प्रभु का, उसके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कृष्णानंद प्रभु से, वो सब एविडेंस है। और ये जो टिकट करके दिल्ली वैली लोग जाते थे लड़कियों को जो भी, उसका भी कुछ एविडेंस है मेरे पास। 4 साल, क्योंकि उसका माइंड यहाँ से किसी ने बोल के, वो भगवान को थोड़ा ज़्यादा मानती है, तो इन लोगों ने कहीं से इसको ट्रैप कर लिया, कि देख लिया कि ज़्यादा भक्ति भक्ति वाला है, किसी को भेज के यहाँ पे उसको शिफ्ट कर लिया खोंडागिरी की, यहाँ पे प्रभु है, खुद नारायण जन्म लिए हैं, ऐसा कुछ बोल के। क्योंकि वो वहीं रहता था, तब मैंने काशीनाथ जी को भी बोला था कि मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने उनके मोबाइल में कुछ देखा, कृष्णानंद प्रभु, जो ऐसे आश्रम का मास्टर माइंड है, जो बाहर से पैसा फॉरनर से प्रोवाइड कराता है, सारा काम वही करता है, मार्केटिंग का काम करता है वो, लेकिन वो फ्रॉड है, फरार है। वो पहले श्री श्री रविशंकर में था, वहाँ से उसे निकाला गया है, वो आदमी साउथ मैंगलोर का है, लेकिन उड़ीसा में उसका भी डिवोर्स केस चल रहा है, उसका बीवी छोड़ दिया, नियर अबाउट उसका 48 एज है उसका, और उसका अभी 2018 में शादी किया है वो, और इसी ने सारा मास्टर प्लान करके, क्योंकि मैंने मोबाइल में देख लिया ना कुछ उनका, तब से हाँ मेरे को कुछ उन्होंने इस टाइप से रकम का डिमांड किया था, जो मेंशन किया है मैंने, 2 लाख, मैं 50,000 कृष्णानंद प्रभु को दिया था, मैं दिया था केस, और मेरे साथ मेरा एक बंदा भी गया था, जब मैंने उसको केस दिया था, वो कुछ महावीर जयंती था, तब मैं उनके आश्रम गया था उसको समझाने। क्या एविडेंस उसका छड़ मेरे से लेने का है, कुछ रीजंस है। अरे वो जब मोबाइल देख लिया तो भगा के ले गया ना वो, मैं एक्चुअली उनके सारे लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, 9 महीने से कांटेक्ट कर रहा हूँ कि वो कहाँ है, वो लोग बता नहीं रहे कोई भी। बस जब जिस दिन ये चीज़ पता चला, वो कृष्णा को भी घर भेज दिया और इसको भी घर भेज दिया दिखाने के लिए। मेरा डिमांड ये है कि काशीनाथ मिश्रा और उनके टीम से बोले, और कृष्णानंद प्रभु को कहीं भी हो उसको ढूंढ के निकाले। मेरे पास उसका मोबाइल में कुछ होटल्स के कुछ वीडियो हैं, होटल के कुछ वीडियो नहीं है, होटल का कुछ है मेरे पास, उनके आधार कार्ड वगैरह, और दिल्ली के कुछ होटल्स के हैं उसका मोबाइल में, जोमाटो ऑर्डर करके जो भी इन्होंने किया है। आप कृष्णानंद प्रभु को पकड़ोगे तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पत्नी को सही तो कथावार्ता हो चुकी ना होने? हाँ, वो कभी कभी बात करता है अलग अलग नंबर से, वो बोल रहा है कि नहीं मैं आ नहीं सकती, अब तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, क्योंकि उसको पता चल गया कि कुछ भी हो एक रैकेट में फंसा है, तो वो कभी भी डरेगी ना अभी आने के लिए। लेकिन मैं अभी तक उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरा वाइफ हो, तुम्हारा 1000 गलती भी माफ़ है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम वापस आओ, मुझे अपना लाइफ जीना है, यही चीज़ है, बस मीडिया से यही बोलना चाहता हूँ।